हमारे कुछ चार्टर ऑफ डिमांड्स 2010 में एंटी हैरेसमेंट बिल जनाया असेंबली से में पास हुआ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा खवातीन के हकूक के साथ खड़ी है और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ खड़े रहेंगे। खवातीन हरास होती है वर्क प्लेस पे, डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करती है, लेकिन वो खामोशी से हर चीज कहती है। अभी हमें बेहतरी नहीं चाहिए, हमें बराबरी चाहिए। इस्लाम ने हमें बेहतरी दी है, लेकिन अभी हम आपसे बराबरी मांगते हैं, आप हमें बराबरी दें। हमारे मिनिस्टर से बात हुई है, हमने अपने चार्टर ऑफ डिमांड उनको पेश किया कि हमें क्या चाहिए। मैंने कहा कि हमें बराबरी चाहिए, हर चीज में बराबरी चाहिए। हम खुद यहाँ पर जनाब सड़क पे आए अपने राइट्स के लिए, हम कब तक अपने मर्दों के साथ जनाब मर्दों के पास जाते रहेंगे अपने राइट्स जनाब मांगने के लिए, अपने डिमांड्स के लिए। हम अभी खुद यहाँ पर आए अपने राइट्स के लिए, तो आप जितने भी हमारे यहाँ पर भाई हमारे साथ हमने ताउन किया है, वो हमें सपोर्ट दिए हैं, आप सबको मैं दिल की गहराइयों से आपको बहुत थैंक यू पेश करना चाहती हूँ, शुक्रिया। ये सिर्फ हम जो पीस वॉक कर रहे हैं सिर्फ एक दो लोगों के लिए नहीं, पूरे पब्लिक के लिए। आपकी माया बहने हैं, आप इनको उनको एम्पावर करें, वो अपने हकूक के लिए बाहर आए, वो अपने हकूक के लिए लड़े। अगर वो कहीं पे आप अपने माए बहनों को कराची इस्लामाबाद भेजते हैं, वहाँ पर वो बहुत से मुश्किल का जन सामना करते हैं, वो तशद्दुद का सामना करते हैं, लेकिन वो आपसे वो चीज़ें शेयर नहीं करते, क्योंकि आप उनको एम्पावर करें, वो इसलिए हर चीज़ आपसे शेयर करें। हमारी आज का जो पीस वॉक है, इसका मकसद ये है कि खवातीन खुद बाहर निकलें और अपने हकूक के लिए आवाज़ उठाएं। हम सबको पता है कि हमारे साथ यहाँ पे हमारे मुआशरे में मुख्तलिफ किस्म की जो खवातीन को हरासमेंट और वायलेंस का सामना करना पड़ता है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो या फिर वर्क प्लेस में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हरेसमेंट की बात हो। तो हमारे आज के इस वॉक का मकसद ये है कि हम बाहर आए और अपनी जो सेक्रेटरीट से अपनी जो लीडर्स हैं उनको बताएं कि हमारे क्या डिमांड्स हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो हुकूक हैं उनके तहफ़ हो, और हम जो है हमें जो एक सेम इन्वायरमेंट में वर्क प्लेस में भी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी। हमारे कुछ चार्टर ऑफ डिमांड्स है कि 2010 में एंटी हैरेसमेंट बिल जनाया असेंबली से में पास हुआ है, लेकिन अभी तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही कहीं भी, किसी भी जना ऑफिस में, किसी भी लाइक ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन में अभी तक वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं कि प्रॉपरली हर जगह उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, 2010 जो एंटी हैरेसमेंट बिल है उसको। सेकेंड, जहाँ भी खवातीन काम करती हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी, जिस ऑफिस में भी काम करती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, वो छोटा ऑफिस हो, बड़ा ऑफिस हो, वहाँ पर सीसीटीवी कैमराज होनी चाहिए ताकि हर चीज़ को मॉनिटर किया जा सके। अगर खातून हैरेस होती है, उसके साथ कोई मसला होता है, कहते हैं कि एविडेंस लेके आए, फिर वो कहाँ, वो तो बेबस होती है ना, वो कहाँ से एविडेंस लेके आएगी, वहाँ पर कोई कैमरा लगा ही नहीं होता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जहाँ कहीं भी ऑफिस हैं वहाँ पर आप कैमराज जो है ना लगाएँ, सीसीटीवी कैमराज, और जितने भी कॉलेज और जितने भी स्कूल हमारे यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं जीबी में, उधर आप ऐसे जो है ना कमेटीज़ बनाएं जो एंटी हैरेसमेंट सेल जो हर चीज़ को मॉनिटर कर सके, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो अवेयरनेस दे लोगों को कि हैरेसमेंट एक्चुअली क्या होती है, तो बच्चों को अवेयरनेस दे कि वो एंटी जो ना वो अपने आप को डिफेंड किस तरह करें। इससे मौलिक प्रोटेस्ट है आपका, हम भी आपके साथ हैं इस पर। गिलगित बल्तिस्तान में भी जो प्रोटेक्शन है, वुमेन प्रोटेक्शन है, वुमेन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, इनकी प्रोटेक्शन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ होनी चाहिए, जो कवानीन हैं उन कवानीन के मुताबिक होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा खवातीन के हकूक़ के लिए पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद रही है। इस पाकिस्तान के अंदर खवातीन को उनके राइट्स के ऊपर, उनको जो माशरे का हिस्सा बनाने में और जितना किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, और बीबी साहिबा ने अपने दौर में पहली दफ़ा वुमेन पुलिस स्टेशंस, हेल्थ के अंदर, अच्छा ये लेडी हेल्थ वर्कर्स के अंदर और दीगर जो वर्किंग वूमेन है उसको इनक्रेजमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मिली है। महज इनक्रेजमेंट मिलना काफ़ी नहीं है,
हम ये समझते हैं कि ख्वातीन को वो इज़्ज़त, वो मुकाम, वो तकरीम जो उसका हक है इस्लाम में, वो पूरा माशरे में मिलना चाहिए। उसके लिए हम आपके साथ हैं। जितने कवानीन के अंदर डिफिशेंसीज हैं, रूल्स के अंदर डिफिशेंसीज हैं, इंशाल्लाह ताला इस पर भी हम देखेंगे, काम करेंगे। आपकी वो जो हवा की बेटी है, जो इस्लाम ने जो कंसेप्ट दिया है, उसी के ऊपर इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करें कि आपको तमाम हुकूक मुयसर हों, वो प्रोटेक्शंस मुयसर हों, वो तहफ़ुज़ात मुयसर हों, आप इस माशरे का हिस्सा बने, इस माशरे के अंदर अपना रोल प्ले करें, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ख्वातीन के हकूक के साथ खड़ी है और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हम अप्रिशिएट करते हैं, पीपल्स पार्टी पहले से बहुत ज़्यादा एम्पावर कर रही है ख्वातीन को, हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और आपको हम थैंक्स भी करते हैं।